हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि इपॉक्सी को टाइल के बीच में किस तरह से भरा जाता है और इसका जो ये मसाला है कैसे बनाया जाता है और इसका क्या रेशो होता है। दो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, ये 5 लीटर की बाल्टी है, हम किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो बस आप इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं और देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसके अंदर एक गद्दी मिली है जो अधिकतर डल्लभ की गद्दियाँ होती है। और दोस्तों, ये हमारा इसका जो ग्राउट है वो है, इसमें रेजिन मिक्स होकर आया है। तो ये दोस्तों हमारे कितने पैकेट निकलते हैं इसे देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों हमने 5 पैकेट निकाले हैं, 4 पैकेट ही हो गए, 1 पैकेट और है इसमें, ये 5 पैकेट इसमें है। तो ये दोस्तों 5 किलो की बाल्टी है, इसमें 5 पैकेट है। तो और देखते हैं इसमें क्या मिलता है। इसमें इसके बाद ये हमारा एक ग्लव्स है और एक पत्ती है जिससे आप इसको ग्राउट को फिल करोगे, जो हमारी इपॉक्सी है इसको फिल करोगे। और हमें इसमें मिलती है इसकी हार्डनर। तो दोस्तों, हार्डनर की भी इसमें 5 डिब्बे दी है। आपको क्या करना है कि हर पैकेट में 1 डिब्बी इसकी डालनी है। तो इसे कैसे मिलाते हैं, चलो इसको भी देखते हैं। बाकी सामान को इसी बाल्टी में रख लेते हैं। हम दोस्तों पहले आधा पैकेट बनाएंगे और दोस्तों आधे पैकेट में हम इसको आधी डब्बी जो इसकी हार्डनर है वो डालेंगे, क्योंकि दोस्तों जो पैकेट है ये आगे से कंपनी से बना बनाया आता है, इसमें जो इसका रेजिन होता है मिला हुआ होता है और इसका हार्डनर इसका अलग से दिया होता है, जो पार्ट बी है इसका। बस इस पार्ट बी को आपने इसमें मिलाना है और इसको आधा मिलाना है, क्योंकि हमने आधा पैकेट खोला है। यदि आप पूरा पैकेट बनाते हैं तो आपको पूरा खोलें। वैसे दोस्तों, मैं आपको सही सलाह दूँ तो आप आधा आधा पैकेट लगाएँ। यदि आप लगाने वाले ज़्यादा हैं तो आप पूरा पैकेट भी खोल सकते हैं, या आपकी स्पीड लगाने की ज़्यादा है तब भी आप पूरा पैकेट खोल सकते हैं। और वैसे स्टार्टिंग में आप आधा पैकेट खोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें हम आधा पैकेट में आधी डिब्बी इसकी हार्डनर डाल देते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, बिल्कुल कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से इसे डालें। और दोस्तों, इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिला लेना है। तो इसको हमने इस तरह से मिला के इसे इतना हार्ड रखना है। और दोस्तों, जब इसे बना लेते हैं तो इसके बाद आप दीवार में फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम दो टाइप के इसमें टाइल दिखा रहे हैं, एक मैट फिनिशिंग वाली और एक ग्लोसी। तो दोस्तों, ग्लोसी में थोड़ा इजीली आसान हो जाता है, लेकिन मैट फिनिशिंग में थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी लगानी है और जल्दी जल्दी उसे साफ़ करनी है। तो फिलहाल लगाने का तरीका दोनों में सेम है, पर मैं आपको मैट फिनिशिंग में साफ़ करके दिखाता हूँ कि मैट फिनिशिंग में किस तरह से साफ़ की जाती है। और दोस्तों, जब इसे भरते हैं तो बिल्कुल इसे लेवल पर भरना है, क्योंकि साफ़ करने वाली थोड़ा सा हल्का सा अंदर भी चल जाता है। और दोस्तों, फिर आपने गीले कपड़े को लेना है जिसमें गद्दी है, उस गीली गद्दी को करके पानी में डुबा डुबा के इस तरह घुमा घुमा के साफ़ करनी है, और ताकि आपकी जो ये टाइल है बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो जाए। दोस्तों, इपॉक्सी भरने से पहले आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से उनके जॉइंट को साफ़ कर लेना है, उसके बाद ही इपॉक्सी भरें। और दोस्तों, एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, यदि आपकी मैट फिनिशिंग वाली टाइल है तो इसको जब आप भरते हैं, चाहे वो फर्श की हो या दीवार की हो, तो कभी कभी क्या होता है कि मैट फिनिशिंग में थोड़ा बहुत चिपक जाता है, तो ये जल्दी सेट हो जाता है तो निकलने में थोड़ा समय लगता है। तो इसको सबसे पहले आप साथ के साथ, जैसे आपने थोड़ी बहुत आधा पैकेट है आधा पैकेट बनाया और उसके बाद उसे लगाया, उसके तुरंत बाद उसे साफ़ कर दो। यदि दोस्तों किसी कारणवश आपका ये ज़्यादा टाइट हो जाता है, या धूप में आपने काम किया तब टाइट हो गया, तो हल्का सा एसिड मिलाएं पानी में और उसके बाद साफ़ करें। दोस्तों, 5 लीटर पानी में करीबन 200 ml एसिड डालना होगा। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप इसे साफ़ करते हैं, वैसे तो ये पानी से ही साफ़ हो जाता है, आपने बस इसे क्लॉकवाइज घुमाते रहना है। तो इसमें आप गद्दी मंगा लें, यदि आपके पास गद्दियाँ ना हो, जो बाल्टी की गद्दियाँ जो होती है वो ख़राब हो गई हो, तो आप मार्केट से भी गद्दी मंगा सकते हैं और उस गद्दी की सहायता से साफ़ करते रहें। और दोस्तों, जो से केमिकल साफ़ होने के बाद नीचे निकलता है, तो इसके साथ साथ आप गद्दी से सुखा लें, बिल्कुल टाइल को क्लीन कर लें, पीछे बिल्कुल भी ना छोड़े, नहीं तो फिर दोबारा चिपक सकता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना,
और हमारे इस चैनल में टाइल पत्थर से लेकर मकान में जो भी काम होते हैं उस पर वीडियो बनी है, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।